खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट। तो कोरोना वायरस के संकट और अर्थव्यवस्था में आ रही दिक्कतों के बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी का विशेष संवाद जारी है। आज राहुल गांधी ने बांग्लादेश के प्रख्यात अर्थशास्त्री और बांग्लादेश ग्रामीण बैंक के संस्थापक मोहम्मद यूनुस से वीडियो संवाद किया। राहुल गांधी ने इस दौरान कोरोना संकट के कारण गरीबों पर आई मुसीबत की बात की। तो वहीं मोहम्मद से उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि गांव की अर्थव्यवस्था को खड़ा किया जाए, लोगों को शहर नहीं बल्कि गांव में ही नौकरी दी जाए। कोरोना के बाद एक नई नीति पर काम जरूरी है। राहुल ने मोहम्मद यूनुस से पूछा कि कोरोना का संकट कैसे लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है और मैं अपनी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाना होगा, जिसके जवाब में मोहम्मद ने बताया कि मजदूरों कारोबारियों के पास टैलेंट है लेकिन सरकार उन्हें अर्थव्यवस्था का हिस्सा नहीं मानती है। जहां लोग हैं वहां पर ही सरकार को काम लाना चाहिए। कोरोना संकट ने समाज की कुरीतियों को उजागर कर दिया है। भारत बांग्लादेश जैसे देशों के लिए छोटे कारोबारी ही भविष्य है लेकिन सिस्टम नहीं देख रहा। तो ये बातचीत की गई है राहुल गांधी की तरफ से और उनका ये कहना है कि लगातार अर्थव्यवस्था जो चरमराई हुई है उस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है और जितने भी ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर लोगों को रोजगार देने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे आने वाले समय में जो भी संकट है अर्थव्यवस्था से जुड़ी वो खत्म होगी। तो कोरोना संकट पर अर्थव्यवस्था पर राहुल गांधी का ये मंथन है, लगातार संवाद जारी है। इससे पहले भी राहुल गांधी कई सारे ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिनसे बातचीत कर चुके हैं इस मामले को लेकर। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।